हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई जो भी बिगिन इन गिराड। हेलो आले। आज होते इस फ्लाइस्ट एंबिशन या हाल्स निस्ट इन ऑर्डनुंग अबर एस गेट कैन प्रॉब्लम वी बिगिन इन यट्स गिराडे उंड नटोरलेस एक्सप्रेशन युवर एंबिशन आजो युवर टेल्क प्रूफ। ओके फ्लाइस्ट निस्ट टायर्ड नॉट इन डिटेल अब एंबिशन शोन टेल्क ओडर ग्योटे दस इस टाउ क्या माल आइने फ्राग है वरुम विल्स है राइट प्रूफ। सो कौन सी एग्जाम देनी चाहिए ये भी कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं। टेल की दे दें क्या? टेल की अगर दे सकते हो तो टेल की दे ही दो। टेल की एग्जाम जो है एक्चुअली मैंने इनके दोनों के पैटर्न देखे। गोइथ एग्जाम के साथ तो मैं लगातार काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, लगातार स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। बट टेल का पेपर तो अभी कुछ नए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जुड़े जर्मनी से, तो मुझे लगा कि टेल्क का भी बीच बीच में करना चाहिए। कई लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें, लेकिन टेल्क का इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। टेल्क का एग्जाम इंडिया में सेंटर्स ही नहीं है। कोई बोलेगा है बेंगलोर में, मतलब उस तरीके से वो अवेलेबिलिटी जो है नहीं, तो फिर आदमी इंटरेस्टेड नहीं रहता। गोइथे का जो एग्जाम है वो वर्ल्ड वाइड फेमस एग्जाम है। टेल्क का एग्जाम और गोएथे के एग्जाम में से कौन सा बढ़िया है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। दोनों का सेम वैलिडिटी है, दोनों को एक्सेप्टेंस भी जर्मनी में एटलीस्ट सेम है, और दोनों ही एग्जाम का इंपॉर्टेंस इक्वल है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन टफनेस, टफ कौन सा ज्यादा है इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं थोड़ी सी। मुझे ऐसे लगा, और प्रैक्टिस से तो कोई सा टफ नहीं होता, लेकिन गोएथे का एग्जाम टेल्क के एग्जाम के मुकाबले थोड़ा सा हायर लेवल का है। ये एक चीज है। और क्या डिफरेंस हो सकता है इसके पैटर्न में? पैटर्न देखोगे आप तो मोटा मोटा आपको एक सा सही लगेगा। गोएथे का, टेल्क का, दोनों का पैटर्न एक जैसा ही लगेगा आपको। बट एक मेन मेन मोटा मोटा डिफरेंस एक तो ये हो सकता है कि गोएथे के एग्जाम अगर मान लो टफ ज्यादा लगता है, तो सारे चार मॉडल जो हैं एक्सप्रेशन ह्यूरिन वगैरह सारे नहीं देके आदमी सिंगल सिंगल भी दे सकता है। और गोएथे का, हाँ गोएथे का ही तो सारे अलग अलग भी दे सकता है। टेल्क वाला एग्जाम वैसे एक साथ देना पड़ता है, लेकिन म्यूंडलिश जो स्पोकन पार्ट है उसको मतलब दो पार्ट में हो गया एक तरह से। स्पोकन को अलग भी दिया जा सकता है और बाकी का एक साथ अलग दिया जा सकता है, बट जनरली एक साथ ही लोग देते हैं। और गोएथे वाला भी एक साथ ही देते हैं, किसको दोबारा दोबारा पढ़ी है एग्जाम देने की। बट मोटा मोटा डिफरेंस हम लोग देखेंगे। टफनेस के लेवल पे मैंने उसको थोड़ा सा ज्यादा हायर क्यों बताया गोएथे के एग्जाम को? इसमें जैसे तीन टाइल हैं लेजन के, गोएथे वाले एग्जाम पैटर्न में पांच टाइल है राइट। वो काफी लेंदी है, इसके मुकाबले काफी लेंदी है, आपको देखने से पता लगेगा। ये चीज तो आपको दिख रही है कि कितने इसमें अवकाबे हैं। पहले में पांच क्वेश्चन, दूसरे में पांच क्वेश्चन, तीसरे में 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसका अंदर चल के आराम से देखेंगे। एक या नटूलिश साइट इज टाउक या अबर हियर जेंजी द साउक हियर ग्रामाटिक और लेक्सिक, ग्रामाटिक और लेक्सिस ऐसे कुल मिला के आप इसको भी पांच ही मान लोगे। लेकिन ये ग्रामाटिक और लेक्सिस हम लोग जिस तरीके से डिटेल में एग्जाम करते हैं, हम लोग जैसे यहाँ पे ई लैंग्वेज स्टूडियो आप लोगों ने देखा भी होगा कि A1 को A2 को हम लोग इतना डिटेल से करते हैं ग्रामर के लेवल पे। एटलीस्ट आपको लगेगा कि ये जो नेक्स्ट वाले दोनों हैं इसमें आपको सेंटेंस मेकिंग अच्छी आती है, आपको बेसिक ग्रामर अच्छी आती है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। मतलब आप फटाक से कुछ ही मिनट में, इतना टाइम लगेगा ही नहीं आपको। सो ये फोर्थ, ये टाइल 1 टाइल 2 जो स्प्राक बाउस्टाइन है,
ये हम लोग देखेंगे अभी, उसमें कौन सी प्रीपोजिशन है, कौन सा कनेक्टर है, कनेक्टर्स जनरली उसमें दिखेंगे आपको कि कौन सा फिट बैठता है उसके हिसाब से, वैसे हम लोग इसमें करते हैं। हॉर फर्स्टेन की भी इसमें तीन टाइल है, 5, 10, 5, तो रिस्ट इज फॉल्स, और ये भी मतलब उसमें हम देखते हैं 4 टाइल हैं, इसमें 3 है, और जो 3 हैं वो भी इजी हैं उसके तुलना में। स्विफ्टलेस में, गोएथे वाले में 3 चीज़ें हैं लिखने के लिए आपके पास में, पहले इनफॉर्मल लेटर, फिर आपकी माइनू, और फिर एक फॉर्मल लेटर, बट यहाँ पे केवल एक ही है, राइट? ये इनफॉर्मल लेटर लिखा है इसमें, या कभी हाल्फ फॉर्मल, तो यहाँ पे एक ही टाइल है बस। अच्छे से मतलब कुछ पर्टिकुलर लाइंस, कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेज, कुछ स्ट्रक्चर्स आपने रटे तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें, ठीक है। इसको बहुत कमज़ोर नहीं बता रहा हूँ मैं, गलत मत समझ लेना मेरे को, बट डेफिनेटली आप खुद रियलाइज करोगे कि फ़र्क तो है काफ़ी। म्यूंडलिशर, इसमें भी 3 टाइल दे रखे हैं इन्होंने, बट इसको भी आप देखोगे तो हर लेवल पे आपको ये लगेगा कि ये भी गोएथे की तुलना में थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। यस, आइन अंदर कैनन लर्नन में तो आपस में जैसे एक स्मॉल टॉक हो गया, मान लो एक दूसरे के बारे में, भाई कैसे हो, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, फैमिली में कौन कौन है, वीकेंड में कैसे क्या करते हो, इस तरह की जनरल चीजें, ये तो वो एक टाइल हो गया। और सेकंड वाले में आपको एक टॉपिक पे डिस्कस करना पड़ता है, बट टॉपिक भी स्पीच जैसा नहीं है। गोएथे वाले एग्जाम में हम लोग बाकायदा उसको एज ए स्पीच जैसे प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से सारे अलगमाइने इन्फोज और वैसे करके, इसमें आपको एक फोटो दी हुई है सपोज, उसके ऊपर दोनों के पास अलग अलग फोटो है, अभी पेपर में हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, दोनों के पास अलग अलग फोटो है, आपको बताना है कि भाई मेरे पास जो फोटो है उसमें तो इस तरह से है, और वो दूसरा बंदा बोलेगा कि मेरे पास जो फोटो है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस आदमी के बारे में, या और फिर आप अपने मायनू उसी के हिसाब से, लेकिन जब ऑलरेडी आपको दे रखा है तो उससे आपको आइडिया लग जाता है, तो हेल्प मिलती है डेफिनेटली, सो इजियर लगेगा आपको उसको देखोगे तो। लास्ट में गिमाइन जाम है, एटवास प्लानन, ये सेम है गोएथे वाला है, और ये उसमें भी फर्स्ट टाइल जो है गिमाइन जाम एटवास प्लानन होता है, तो यहाँ भी वो है, ये चीज़ है। आप फटाफट, मैं 1 घंटे में फिनिश करूँगा आज, गले को आज मुझे रिपेयर करना है, आज और कल गड़बड़ चल रहा है थोड़ा सा। सो फर्स्ट लेजे फर्स्टेन जो लेजन वाला टाइल है, इसमें जनरली जैसे लेजन जी यूबर स्विफ्टन का मतलब है टाइटल्स, इसके हेडिंग्स जो हैं वो मैच कराने हैं आपको कि कौन सा हेडिंग किसके साथ ज़्यादा सुटेबल है, तो इसमें देखो हेडिंग काफ़ी दे रखे हैं, राइट, और इसके नीचे फिर वो साथ में टेक्स्ट दे रखे हैं, आइंस सुआई ड्राई फियर उन फ्यून्फ, हो गया, मतलब 5 टेक्स्ट दे रखे हैं, और हेडिंग देखोगे तो शायद वो 10 एक होंगे, हाँ, आइन स्वाई ड्राई फियर फ्यून्फ जैक्स जीवन 8, 9, 10, मतलब 10 दे रखे हैं, लेकिन आंसर तो 5 ही हैं, एक का एक ही होगा, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन सा सूटेबल है। तो सबसे पहले समझदारी ये रहती है कि पहले ये सारे पढ़ लो कि इमर मेयर डॉइचे फैमिलियन राइजन मिडर बान, कि आजकल बान रेलवे से जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है भाई, मेट्रो से जा रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये क्रेज है कि ट्रेन के से जर्नी करें। बुक टिप, कोई बुक है जिसमें टिप दे रखी है, हिल्फ है बाई श्लाप्समैथसन, कि आपको नींद नहीं आती तो क्या करें, तो बुक में कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ आपको ट्रिक्स टिप्स दे रखी होंगी, वो ऐसा कोई टेक्स्ट में होना चाहिए। डेयर कंप्यूटर लिपस्टस हॉबी फॉन डॉइचलैंड्स फ्राउन, अच्छा ये लेडीज को स्पेशली, कि भाई वो तो कंप्यूटर पर बैठी रहती है शायद आजकल, शायद देखना पड़ेगा। नॉय बाइडर बान, मतलब कोई रेलवे कोई नया अंगेबोट लेके आया है, स्पेशियल है इन्फॉर्मेशन उंड अंगेबोट है फ्यूर राट फारर, स्पेशली फॉर पीपल हु जो साइकिल जो ज़्यादा चलाते हैं उन लोगों के लिए कोई ऑफर है, वो देखना पड़ेगा कौन से टेक्स्ट में है उसके हिसाब से। नॉय आ मार्क्ट, मार्केट में नया आया भाई क्या है, बिली गए श्लाफ टैबलेटन, सस्ती टैबलेट्स, नींद नहीं आए तो ये सस्ती वाली ले लो।
फार्मलियन राइज एंड बिलीगर, फैमिलीज जो है चीपर मतलब सस्ते में जर्नी कर सकती हैं, शायद ऐसा कुछ होगा इसमें, देखेंगे। उर्लाउब मिट डिम फाराट इन डॉयचलैंड इमर बेलिप्टर, साइकिल से लोग ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल से जा रहे हैं इधर उधर। कुल्टुअर इमुरलाउब इंटरेसन ये नाक आल्टर उन्टर सीडलिश, कुल्चर जो कल्चर है, छुट्टियों में कल्चरल चीजें देखना ये एज के साथ इंटरेस्ट बढ़ता है। उम्फ्राग है, कोई सर्वे है, वेयर फरवेंडेट डेन कंप्यूटर आम हॉयफिक्सन, कि कौन लोग हैं जो ज्यादा कंप्यूटर पे टाइम बिताते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। डॉयचलैंड लास्ट वन इमामेयर टूरिस्टन राइजन इंडियन वेस्टर्न, कि मोर एंड मोर जर्मनी के जो टूरिस्ट हैं घूमने जाते हैं लोग, हम भी इंडिया में अलग अलग जगह जाते हैं, तो इसमें इसने बोला है कि इमर मेयर टूरिस्टन राइजन इन वेस्टर्न, कि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ओके ठीक है, अब जैसे इसमें हम लोग देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स सारे ही पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में, लेकिन जब आपने हेडिंग्स पहले ही देख ली तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहेगा कि कौन सा किसके नजदीक है। फर्स्ट वाले में आ गया, वेयर इज देयर टिपिश कंप्यूटर फैन, कंप्यूटर का फैन कौन है, तो कौन में शायद उन्होंने लेडीज और जेंट्स का इसमें तुलना की होगी या एज ग्रुप के हिसाब से किया होगा। फ्राइसाइट फोर्सुंग इंस्टीट्यूट हम्बुर्ग अर्मिटल्ट आइनिगर आइगनशाफ्टन एयरिस्ट मैनलिश यूंग, सो भाई शायद पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन इस तरह का हिंट आ जाए कि इसका मतलब है शायद यूंग मतलब मैन लोग ज्यादा जाते होंगे, कंप्यूटर यूज करते होंगे। ओंट आइनन ह्यूरन शूल अफ्सलूस बाइड, एक बार आपको मोटा मोटा देखना पड़ेगा, उससे आपको हिंट मिलेगा। जैसे सपोज मैं पूरा पढ़े बिना आपको एक बार फटाफट, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि यहाँ पे ऐसा हिंट अगर आ गया और आगे भी मान लो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कोई एयर कंप्यूटर यूज करने वाला एयर है और उसमें भी यंग है, तो आपको एक हिंट मिल गया कि शायद यंग लड़के ज्यादा यूज कर रहे हैं, शायद आपको देखना पड़ेगा पूरा। तो ऐसे करके दूसरे में यहाँ पे बान ऑन बाइक, अच्छा रेलवे और साइकिल इनका कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई ऑफर आपको दिखेगा मोटा मोटा। फटाफट आपको एक बार पूरा ही देखना पड़ेगा। द सराट फॉर ओट मीटन, तुम ले भी जा, शायद लेके भी जा सकते हो साथ में या वहाँ किराए पे ले सकते हो। ब्रोशोर है कोस्टेड फोन ओयरो, सो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को, ये जो भी डिजिट्स दे रखे होते हैं उनके साथ में इन्फॉर्मेशन क्या है उसको खास तौर पे देखना चाहिए। जो ग्लोबल मतलब फास्ट आपको इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो ये डिजिट्स आपकी बहुत हेल्प करती हैं। डिजिट्स के साथ में क्या लिखा हुआ है इस पे आपको आंसर मिल जाते हैं कई बार। तो शायद ये जो राट और बान का उसमें था ऊपर एक, वो हो सकता है, आपको मोटा मोटा आइडिया इससे मिलेगा। देन यहाँ पे आउसफ्यूरलिश है, इधर एक बुक का भी था क्या ऊपर, नहीं। आउसफ्यूरलिश इन्फॉर्मेशन सुम थेमा स्लाफ स्लाफ स्ट्योरुंगन, एक आया था कि नींद ढंग से नहीं आती जिनको, उनके लिए गिमाइंजाम है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, डॉक्टर साहब हैं कोई, एंड वास लाफ स्ट्योर्ट खान द गिगन बुक, यहाँ पे बुक है भाई, एक कोई बुक है तो उसमें दे रखा था, कोई बुक में शायद टिप है, बुक टिप, ये स्लाफ प्रॉब्लम, तो इसमें आप श्योर हो गए ये उसका आंसर होना चाहिए, वापस डिटेल में देखोगे आप। देन यस नेक्स्ट वाला, यस विड द फैमिलियन राइज इन मिड बान स्विशन ओस्टन उंट स्विशन जो यूस्टराइज उन डॉयचलैंड नॉक, यहां भी फैमिलीज का इंफॉर्मेशन है जो शायद ट्रेन से जाना चाहेंगी। फिर द गान से फैमिली है, कोई ऑफर है फॉर्म बेबी बिसुम ग्रोसोपा मन खान गेल्ड स्पारन, इसका मतलब फैमिलीज को अगर मान लो साथ में ट्रेवल करें तो पैसे, कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी है। ग्रोस फाटर चेनाउ स्वाई अरवाक्सनन दो अडल्ट एल्टर्न उन ग्रोस एल्टर्न, तो इसमें कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसमें कुछ ऑफर है फैमिलीज साथ में ट्रेवल करें तो उनके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि फैमिली ज्यादा ट्रेवल करने लग गई है, ऑफर है कुछ फैमिली के लिए। एक बार स्कोर देखते हैं फिर वापस देखेंगे। मैन टूरिस्ट एंड स्वेशन फियर्स एंड फियर्स, ऐसे करके आप मोटा मोटा एक बार ये डिजिट
ये देखोगे 38 से 30 से 39 एज के उरलाउब में कुल्टुअर पाउजे अनलेक्ट ऑन्ट उरलाउबर आउस ओस्ट डोइसलैंड दी स्टूडियस हाइगन दी डोरूम मेयर कुल्टुअर कैंटनीशर राइजेंडर आउस डिम वेस्टन ओके। सो ईस्ट और वेस्ट की इसमें बात करिए मोटी मोटी, इसमें फैमिलीज के लिए ऑफर है कोई रेलवे की तरफ से, इसमें आपने देखा कि कोई बुक है जो नींद नहीं आती उनको हेल्प करेगी, कुछ टिप्स होंगी, इसमें आपने देखा कि बाइक और रेलवे का है, इसमें आपने देखा कि कंप्यूटर कौन ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो 10 में से 5 जब आप करोगे तो हो सकता है एक दो में आपको तुरंत ऐसे लगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा टिक लगा के कि भाई ये दो थे उसमें। तो इमर मेयर डोचे फैमिलियन राइजन ऐसा तो नहीं था भाई ज्यादा कर रही है, बुक टिप वाला था यस, तो बुक वाले से रिलेट करेंगे। डेयर कंप्यूटर हॉलीडे फॉर फ्राउन, फ्राउन का तो नहीं बोल रखा कि फ्राउन, उसमें तो इन्फॉर्मेशन कुछ और थी, जेंट्स का था शायद। नोए बाइडर बान स्पेशल इन्फॉर्मेशन आगे बोट ऑफ यूर राट फार्म यस, साइकिल से जो करते हैं उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है, ये थी शायद उसमें। एंड देन नोए बिली के खिलाफ आप वो नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी एक हो गया। फैमिलियन राइजन ली बिलीगर, बिलीगर वाला था क्योंकि ऑफर है ना फैमिली के लिए कि फैमिली आप बच्चों के साथ और ऐसे ट्रेवल करते हो तो ऑफर था, ऐसे नहीं इंफॉर्मेशन दे रखी कि फैमिली ज्यादा ट्रेवल करने लग गई है, लेकिन ऑफर था तो ये वाला होना चाहिए ठीक है। उरलाउ मेडिम फार आर्ट इन डोइसलैंड इम बेलिप्टर ऑफर है, बेलिप्टर का तो नहीं बोला। कुल्टर कुल्टर इम उरलाउ इंटरेस्ट ये नाक आल्टर, इसको एक बार देखना पड़ेगा आपको। फ्राग वेयर फरवेंडेड द कंप्यूटर आम होइफ्टन, ये वाला है वो, उसमें यंग और वो नहीं लड़कियां करने लग गई है ज्यादा यूज ऐसा नहीं है। इसमें दे रखा है कि एक सर्वे है जिसमें कि कौन ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन थी कि मैन और उनमें भी यंग इस तरह की थी, तो ये उसका आंसर हो सकता है, देखना पड़ेगा आपको। डोइसलैंड इम्मा मेयर टूरिस्टन राइजन इंडियन वेस्टर्न, तो वापस से देखना पड़ेगा आपको कि ये ओस्ट वाले वेस्ट की तरफ जा रहे हैं क्या, ये इंफॉर्मेशन। तो मतलब मोटा मोटा देखने से आपको आइडिया लग जाएगा, एक तरह से 10 में से 5 चूज करने तो इंफॉर्मेशन एक नजर पढ़ते ही आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो थ्रू डिटेल में, जाना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। दूसरा है, दूसरे वाले में आपको लेजर फर्स्ट 10 6 एंड 10 तक रीड करना है और रिस्टिश और फॉल्स। तो ऑफ कोर्स ये बड़ा टेक्स्ट है, जैसे गोइथे वाले में फर्स्ट जो टाइल होती है उसमें एक बड़ा टेक्स्ट होता है, ब्लॉग वगैरह होता है, उसी तरह का मामला इसमें है। ये सेकंड पार्ट आ गया, इसमें बड़ा टेक्स्ट है जिसको पढ़ के आपको रिस्टिश और फॉल्स देना है। रिस्टिश फॉल्स था क्या ऊपर, एक मिनट ले, यूजिंग आबे और से, आबे और से देख के रिस्टिश बताना है भाई। सो इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो पता चलेगा तीनों। गोइथे वाले में भी ऐसा ही होता है, एक राइट सेकंड टाइल है उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं गोइथे वाले में, जिसमें आपको ए बी सी में से टिक करना होता है, इसमें भी उसी टाइप का है। यहां पे पासेंडे जितवाचन बेनुसन एल्फ बिस वॉल्फ, गोइथे वाले में भी टाइल थर्ड होता है, गोइथे में टाइल थर्ड उसमें आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी होती हैं और उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होते हैं, इसमें भी वैसा ही है। इसका मतलब कुल मिला के ऐसे लग रहा है किसी ने एक की अच्छे से तैयारी करी तो दूसरा एग्जाम भी देने का अगर मौका मिले तो डरने की जरूरत नहीं है, है ना, पैटर्न को अच्छे से समझ के। तो इसमें ये सिचुएशंस दे रखी हैं और 10 सिचुएशन है शायद, एंड देन ये एडवर्टीजमेंट्स कौन सा किसके साथ ज्यादा मैच करने वाला है। तो ये गोइथे में भी वैसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि आंख मीच के हाँ किसी के भी लगाओगे तो सही जाएगा, आंख बंद करके किसी के भी लगाओगे तो मजेदार बात इसमें है कि लगभग गलती जाएंगे आपके। ये है, ये जो ग्रामर वाला पार्ट मैं आपको बता रहा था, जिसने ग्रामर अच्छे से की है तो उसको तो ये हलवा लगेगा एकदम से, ग्रामर अच्छे से की है तो। अब इसमें कोई कनेक्टर हो सकता है, कोई रिलेटिव प्रोनोमन हो सकता है कोई, हाँ ये देखो इसमें ट्रोथ्स डेम आ गया, डेम डेनन दी, आपको पता चलेगा अपने आप आपने डाटिव आकुजाटिव पढ़ा है, आपने पजेसिव पढ़ा है, आपने राइट प्रीपोजिशंस पढ़ी हैं, अच्छे से आपने वो पढ़ी हैं तो आपको एकदम से देख के खुशी होगी कि टक टक फटाफटी होने वाला है ये जो
ई लैंग्वेज स्टूडियो वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार ये वाला हो जाए तो इंडिया में फटाफट ये वाला करके आ जाए अपन, तो वो वाला भी कर लोगे आप, डोंट वरी। ये सो एंड नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही था क्या? यस स्प्राक, हाँ ये वाली चीज भी वही है एक तरह से। आप इसमें मेल लिख दिया इन्होंने वहां पे सीधा दे दिया, और इसमें भी स्प्राक बाउस्टाइन है, जिसने ग्रामर अच्छे से किए उसके लिए ये भी हलवा है एक्चुअली। अब इसमें नीचे देख के आपको आइडिया लग जाएगा, मेल में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूंटन, डंकवार, इस बिन इनन जे डंकवार, तो इस बिन इनन करके डंकवार छोड़ दिया, तो आप समझ जाओगे देसाल्ग कहां पे आता है, पोजीशन उसकी, वर्ब की पोजीशन सेकंड रहनी है कि क्या है, बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट पता है तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं। वन, वेन, मिट, म्यूशन, ये देखते ही आपको पता चलेगा एक्चुअली। ठीक है, ये इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा शायद नेक्स्ट टाइम आपके साथ में, कि किस तरह से इस तरह की चीज को अटेम्प्ट किया जाए। हो सकता है दो चार हम लोग साथ में अटेम्प्ट करके देखें तो आपको ज्यादा तसल्ली हो कि यार ऐसे बताने से तो क्या हुआ, लेकिन साथ में करके देख सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन आज मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है। ह्योरन वाला, ह्योरन में गोइथे के एग्जाम में हमने देखा है कि चार आते हैं और फोर्थ वाला काफी लेंदी होता है, ऐसे ही इसमें ह्योरन के तीन है शायद, देखेंगे अपन अभी। फर्स्ट स्टाइल में क्या करना है, जी ह्योरन फ्यून्फ कुर्त से टेक्स्ट है, दात्सु जोलेंजी फ्यून्फ ऑफ गाबन ल्यूजन, रिस्टिश फाल्स कर, रिस्टिश है तो प्लस लगा दो, फाल्स है तो माइनस लगा दो। तो आप जब उसको रीड करोगे तो, लेकिन ये देखो नूअर आइन माल एक बार ही सुनने को मिलेगा, उसमें भी एक बार मिलता है ना अपन को, इसमें भी, उसमें किसी में दो बार मिलता है, किसी में एक बार मिलता है, इसमें पहले में एक बार है नूअर आइन माल, इसलिए थोड़ा खास इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि अपन मिस नहीं कर जाएं, एक बार वाले में खास प्रैक्टिस से आएगा वो। तो आपको प्लस और माइनस लिखना है रिस्टिश फाल्स के साथ में। सेकंड वाले में इसमें स्वाई माल है, जी ह्यूरिन द स्किस्प्रे स्वाई माल, तो सुन के क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल डेस्पोर्ट फेराइन प्लांट आइन ए ग्रोस ऑफ हायर, अब वो पुराने कोई सेलिब्रेशन की बात ही कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, वो तो सुनोगे तभी पता चलेगा आपको। तो उसी हिसाब से प्लस माइनस इसमें भी रिस्टिश फाल्स आपको करना है। ओके इंफॉर्मेशन, आप जब भी लिसनिंग करो तो शुरुआत में बहुत ही अटेंटिव, पूरे में अटेंटिव रहना है, लेकिन शुरुआत में आपको अगर आइडिया लग जाए ना किस बारे में किस दिशा में चीज जा रही है, तो अपने आप आगे की कैलकुलेशन अपना दिमाग साथ साथ खुद भी लगाता रहता है। ओके देन थर्ड पार्ट है इसमें भी वही, ये भी स्वाई माल है। अच्छी बात है कि दो में स्वाई माल है और एक में आयन माल है, तो स्वाई माल वाले में तो आपको फिर से एक चांस मिल जाता है कि आपने जो किया था उसको बिस्टिटिगन कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। आप आवाज पूरी आ तो रही है ना आप लोगों के पास? ओके देन स्रिफ्टलिश, स्रिफ्टलिश जो है ये स्रिफ्टलिश को भी मैंने आपको बोला कि स्रिफ्टलिश भी गोते जो एग्जाम है उससे इजी है, इसलिए पढ़ता है कि गोते एग्जाम में आपको तीन चीज लिखनी पड़ती हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल और माइनू, तीन चीजें लिखनी पड़ती हैं, सारी आप अपनी तरफ से ही लिखते हो, कोई हिंट नहीं है आपके पास, बट यहाँ पे देखो स्रिफ्टलिश आउसद्रुक है और ऑलरेडी पूरा का पूरा पठो ने छाप ही दिया। तो अब जब यहां छाप ही दिया तो उधर भी तो आपको आइडिया मिल ही गया ना कैसे स्टार्ट करना है, लास्ट में किस तरह से, शुरुआत में कैसे, तो काफी इसमें हेल्प मिल जाती है। ऑफ कोर्स अच्छे से समझना पड़ता है आपको कि पूछा क्या है, उसके हिसाब से जवाब दोगे, बट वो ऑलरेडी इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप भी वैसा सा स्ट्रक्चर लगा दोगे। ये है, अब आपको पता चल गया कि मेल में लीब है, लीवर से करना है, तो आप इतना तो दिमाग लगाओगे कि मैस्कुलिन है तो लीबर, फेमिनिन है तो लीबे, इतना तो करोगे ही। एंड फिर इसमें देखो कोमा आएगा, ये उसमें भी कोमा लगा दोगे, इसमें आपको पता चल गया ओ फर्स्ट लाइन यहां से जो शुरू हो रही है, ये वाला जो फर्स्ट लेटर है ये स्मॉल आता है, आपको पता चल गया, तो आप भी स्मॉल लिख दोगे फर्स्ट लेटर को, इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे फिर कंक्लूड कैसे करना है, बिटे श्राइब निया म्योग्लिस बाल्ड, तो हिंट मिल जाता है आपको, और लास्ट में हेर्सली से ग्रूस है, फीले ग्रूस है, अगर मान लो इनफॉर्मल है तो, और आइडिया मिल गया आपको।
अब ये किसी ने लिखा है, इनफॉर्मल लिखा है, तो जवाब भी तो इनफॉर्मली दोगे। मेरे दोस्त ने लिखा है तो मैं भी तो इनफॉर्मली दूंगा ना जवाब। तो इससे आपको ये आइडिया मिल गया कि लास्ट में मेरे को पूरा नाम नहीं लिखना, देवकरण सैनी पूरा नहीं लिखना, इसने पहला ही लिखा है तो मैं भी पहला लिखूंगा। ऐसे करके आपको हिंट मिलती है, तो आपको खुश होना चाहिए। ये एग्जाम आप दे रहे हो तो ये पॉइंट्स का तो आपको आंसर करना ही है। ऑफ कोर्स चारों चार पॉइंट हैं, चारों पे कुछ कुछ रायबंजी एटवास सु आलन फियर पुंगटन, चारों पॉइंट्स पे कुछ तो जवाब देना है। जैसे विल्स है, आउस फ्लू गए जी मित मारिन अखन वोलन, किस टाइप का पिकनिक। वास फ्यूर बेस्ट है, यारत साइट फ्यूर दीजे राइजे ईस्ट, कौन सी सीजन में बढ़िया रहेगा जाना। विल्स है क्लाइडुंग, जो पूछा टू द पॉइंट उसका जवाब दो, हो गया काम, इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करनी। देन फिर हम लोग इसमें आगे म्यूंडलिशर आउसद्रुक स्पोकन पार्ट में। अब स्पोकन पार्ट भी गोते से थोड़ा इजी लगेगा आपको, इसलिए पहला वाला देखो। आइन अंडर कैनन लर्नन, आइन अंडर कैनन लर्नन के बाद का मतलब हो गया कि कोई बंदा आपको पहली बार मिल रहा है तो आप क्या जानना चाहते हो। जनरली हम यही जानने चाहते हैं भाई, एकदम ही नया है कि भाई कहाँ से हो, नाम तो बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो, जनरली फैमिली है कि नहीं, कंवारे हो या शादीशुदा हो, जनरली हम लोग जो बातें करते हैं। इसमें तो हिंट भी दे रखा है, और क्या बात करते हैं हम लोग, खाली टाइम में क्या करते हो, और आजकल पढ़ाई पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है, जॉब करने लग गए हो या अभी स्टूडेंट ही हो, पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हो या अपना अलग से रहने लग गए हो, और ज्यादा से ज्यादा आप पूछोगे क्या प्लान है, वीकेंड में क्या कर रहे हो, चलो फिल्म देख के आते हैं, इस तरह की जनरल जो बात करते हो, लॉजिकल सी वो। सो यहां पे अगले को नाम पूछोगे, वो है जी ऑर्डर एयर कॉम्प्ट, तो आप पूछोगे तो वो जवाब देगा। और जब आपने पूछ लिया वो जवाब दे रहा है तो वो भी तो पूछेगा, तो साथ में ये पिंग पोंग चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तो बैठ गए कि सामना पूछ रहा है जवाब ही दे रहा है, तो ऐसे लगेगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। फैमिली के बारे में देखो, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, फैमिली क्या, वो जी ओडर एयर डोइच गिलेंट हार्ट, भाई जर्मन कहाँ से सीखी तुमने, बंदा जर्मन तो सीखी है ना उसने, तभी तो आ रहा है एग्जाम देने, कहाँ से सीखी, को यार मैम ने तो स्कूल में ही सीख ली थी। अच्छा तुम्हारे स्कूल में भी है, अरे वाह यार हमने तो कॉलेज में सीखी थी, नहीं हमने तो एक इंस्टीट्यूट में सीखी है, ऐसे करके। तो जनरल ये कॉमन क्वेरी रहती है, आपको क्यूरियस रहते हो आप कि हाँ भाई। और वास जी ओडर एयर मार्क्ड, अभी क्या कर रहे हो, स्कूल में हो, स्टडी क्या, प्रोफेशन क्या है, स्प्राखन और बताओ और क्या क्या सीख रखा है तुमने। ये बातें होगी। और पहला टाइल फेटिश, दूसरे में यूबराइन थेमा एक्सप्रेशन। अब देखो गोटे एग्जाम में आप लोग जब थेमा पे बोलते हो तो आपको अपने आप ही सारा फॉर्मुलेट सब अपने आप ही इनिशिएट करना पड़ता है, हालो या होट इज प्रेशियस यूबर डस थेमा उन देन ब्ला ब्ला, आप सारा आलगिमा इन इन्फोज पिछली बार भी थोड़ा डिस्कस किया था, फिर इस पे मैं बार बार डिस्कस करूंगा, ये मैंने प्लान कर रखा है आपके साथ, आज ज्यादा बोलूंगा नहीं। बट इसमें जैसे अपने आलगिमा इन इन्फोज जितवात शोनिन हाइमाटलान परजोनली से अर फारूंग, ये अपने गोते में करते हैं हम लोग। देन फोर टाइल है, नाक टाइल है, और उसके बाद में माइनुंग आपकी, और फिर अप्सलूसुम डांग, जनरली ये पैटर्न फॉलो करते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये बातें कर ली, इसके बाद में ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो आपका झरना एक बार फूटता है तो आप आराम से उसको चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम वो सिस्टमेटिक अप्रोच से चलते हैं। बट यहाँ पे तो और ही कर दिया इन्होंने, यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया पट्टो ने, ये शायद पास ही कराना चाहते हैं सबको, इनका फेल करने का कोई मकसद है नहीं मेरे ख्याल से, राइट। अच्छी बात है, ये अच्छा मकसद है इनका, और उनका नहीं, उनका भी अच्छा ही है, वो भी आपको पास ही कराना चाहते हैं, बट वो इंश्योर थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फोटो दे दी साहब, फोटो के साथ इसने ये भी बता दिया इस राइज गैर ने और छुट्टियां मनाना इसको पसंद है, अलाइन राइजन मार्क्ट मियर खाइन एंड स्पास, मतलब इसको तो ग्रुप में जर्नी करना पसंद है। जब आप बोलते हो इस पे तो आप सामने वाले के पास कोई और फोटो है, शायद सामने वाला जो पार्टनर है उसके पास ये फोटो है, और ये बंदा जो कह रहा है तो आप बताओगे कि भाई मेरे पास एक पर्सन की फोटो है, उसका नाम जाबीन है, कि जाबीन जो है उसको जर्नी पे जाना बहुत पसंद है, तो ये तो कह रही है इश,
आप बोलोगे जी जी फॉर राइस देयर गेर्न अवर अलाइन मार्क योर काइंडनेस पास सो मिट एनुअल ग्रुप है इस तरह से, मतलब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, आप फोटो को एक तरह से बता रहे हो कि ये पर्सन है और इसका क्या मामला है, और फिर इसके बाद में ये बंदा इसकी बता रहा है कि भाई मेरे पास जो बंदा है वो तो येंस है, येंस म्यूल है, वो 39 इयर्स का है और फिजिकर है, और ये बंदा जो है वो ग्रुप में जाना पसंद करती है, और ये वेन मान मिट आइन ग्रुप है उंटरवेक्स इस्ट गिफ्टेस माइस्टाइन फेस्टेस प्रोग्राम, कह रहे यार उनका तो एक फिक्स प्रोग्राम रहता है, अब उसको फॉलो करना पड़ता है, सो इस मोस्ट औशलाफन, लेकिन ये बंदा अकेला जाना पसंद करता है कि भाई इसको तो अकेले जाना पसंद है, ये ग्रुप में ये नहीं चल सकता दूसरों के हिसाब से, कभी इसको मन किया तो ये कहीं नहीं जाता, सोता ही रह जाता है, मन किया तो केवल पढ़ लेता है गार्डन में, शायद अपने में टाइम बिता देता है, या ये डिपेंड करता है कि इसके मन क्या है, इसका मूड कैसा है, अकॉर्डिंगली ये करता है इस तरह से। तो आपने इस फोटो के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो ईजी हो गया ना काम, दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा, बेसिक आपकी जो भी ग्रामर है जो सीखी आपने B1 की वो यूज कर लो आप, और ये जब इनका बता दिया फिर आप पूछते हो तुम बताओ अपना भी बता दो, मतलब ये तो ऐसा है अकेला जाना पसंद करता है या छोटे ग्रुप में जैसे भी, और वो जो है वो ग्रुप में जाना पसंद करती है, तुम बताओ अपना तुमको कैसा पसंद है, तो आपने एक तरह से अपनी माइनिंग और उसमें ऐड कर दी और हो गया काम अपना, कि भाई आप कहो कि भाई मैं तो मैंने दोनों तरह से ही की है, मैंने ग्रुप में भी की है जर्नी और अकेले भी की है कई बार, फिर आपको कौन सा अच्छा लगा क्यों तो बता दो, मेरी तो ओपिनियन में मैं तो ऐसे ही पसंद करता हूँ, ऐसे करके तो इनडायरेक्टली आपने अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता दिया अरफा रूम वाला और माइनिंग भी बता दी और हो गया काम, तो इजी पड़ा ना बिल्ड बिस्राइबुंग वाला मामला। और लास्ट में गेमाइन जाम है इट वॉज प्लान कि हम लोग मिलके कुछ प्लान करने वाले हैं, क्या प्लान करने वाले हैं इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं यहीं से पता चल रहा है, बाकी पढ़ना पूरा है आपको, बिना पढ़े करोगे तो घोटाला ही करोगे आप, गड़बड़ घपला कर दोगे देख लेना। जी हाबन स्वाई वॉखन उर्लाउ गेमाट उन इन दीजर साइट आई नी गे नेटेड डॉयचे कैनन गेलेंट, छुट्टियां बिताई हैं आपने और छुट्टियों में कुछ जर्मन से मिले हो आप, फोर डेम एंड डेस उर्लाउब्स उंट बिफोर इरे बिखांटन अले वीड नाक हाउस ए फारन कि आपने 2 वीक उनके साथ में बिताए, साथ में मतलब छुट्टियां मनाई, अब वो जाने वाले हैं, उससे पहले अपसिट्स पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो साथ में, जी हाबन दी अफगाबन सुजामन मिटिरम गिश्रे पार्टनर, दोनों साथ में पार्टनर रहेगा, उसके साथ में बात करोगे आप कि भाई किस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करें, कैसे क्या करना चाहिए, यूबलेगन जी जिस वास आलिस सुटोनिस्ट क्या क्या करना है, और ये पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप बोलोगे कि भाई ऐसा है पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, और सामने वाला रिएक्ट करेगा अच्छा अरे वाह दास इज आई गुटे डे वन दिन, पहला क्वेश्चन ये है दास इज, एक तो आदमी कुछ भी बात करे आप उसके एग्री हो या नहीं हो ये चीज तो आप गांठ बांध लो, सुनते ही एक बार तो इंटरेस्ट दिखाना है, जैसे मान लो किसी ने कहा कि अपन को कल मान लो जनरल डायलॉग भी हो कि यार मैं वीकेंड में शॉपिंग करना चाहता हूं तो भी बोलो अरे वाह वंडरफुल आइडिया है, कब जाना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो, पूरी सुन लो कोई दिक्कत नहीं है प्यार से, अगला बात करना चाहता है भाई आपसे, आप भी तो बात करोगे, आप मान लो उसने बोला कि यार शॉपिंग करना चाहता हूं, आप बोलो यार मेरे को टाइम नहीं है तो डायलॉग ही खत्म हो गया भाई, तो आपको एक बार तो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे ही कुछ भी हो बात पूरा इंटरेस्ट से आपको बोलना है, दस इज वंडरबार दस इज एन गुड डे वन दिन कब करना है, फिर वो बताएगा वी वेर है दस वोखन एंड है इस केस में कि भाई वो लोग वापस जाएंगे 15 तारीख को सपोज, तो आप बोलोगे कि 14 का कैसा रहेगा, हाँ 14 का बढ़िया है, फिर वो पार्टी होगी फिर चले जाएंगे, बीच में तो प्रोग्राम भी कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अभी तो आप और घूम ही रहे हो, सो ऐसे करके एंड देन वो पार्टी कहाँ करें, पार्टी आजो वो क्यों वी आर डन द पार्टी फायर, फिर सामने वाला बोलेगा कि यार ठीक है पार्क में करते हैं ना, या फिर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में करते हैं, या फिर होटल में ही कर लेते हैं,
वो होटल में रेस्टोरेंट भी है, इस तरीके से आपको सजेस्ट करना है तो अगला करेगा, और आपको लगेगा कि यार अगले के बस का नहीं चल रहा काम, उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी तरफ से बोल दो, वी वेर एस वेन वी आर पार्टी इन आइनम रेस्टोरेंट ऑर्गेनाइजर अजुदास वेरे बेसर और, मतलब आपको लगे कि उसके मामला बैठ नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, तो आप अपनी तरफ से इनिशिएट कर दो क्वेश्चन, कुल मिला के आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, और हेल्प क्या करना चाह रहे हो, अगर वो बोलेगा नहीं तो आपका डायलॉग आगे नहीं किसके का, और टीचर देखेगा ये दोनों ही बुद्धू हैं, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो जब उसको जरूरत है, ये सबको समझ में आता है, हम सब रोटी खाते हैं, हमको पता चल जाता है कि कहाँ पे उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, ऐसे कभी भी होशियारी मत करना कि आपको लगे कि यार इसको फंसा देता हूं, आप ये समझ लो इनडायरेक्टली खुद को फंसा रहे हो, उसको फंसा दिया आपने अपनी जान में और वो चुप हो गया तो डायलॉग ही खत्म हो गया, आपको मौका ही नहीं मिला जो आप बाद में बोल के दिखा सकते थे कि आपको भी जर्मन आती है, तो इसलिए जहां भी ऐसे लगे कि उसको थोड़ा पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी तरफ से करके वी वेर एस दास वी गेन वियर, अब वो वी गेन वियर नहीं समझ में आया तो आप उसको साथ में ये भी बोल दो वी फॉरन वियर मिडियम ऑटो ऑर्डर मिडियम सूप, सपोज इस तरह का कोई बात हो, तो इन जनरल ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को सपोर्ट करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड से स्माइल भी देनी है, उसको नेचुरल लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम उसकी आज एकदम से ही हालत खराब करने वाले हो, इस पर्पज से नहीं आए हो आप, पास करने आए हो ना एग्जाम, सो वो दिखना भी चाहिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हर जगह पे, रियल लाइफ में होती भी अपन पॉजिटिव ही है, लेकिन वो दिखना चाहिए, पता नहीं चलेगा सामने वाले को, ऐसा क्या खाएं अपन, मान लो पार्टी के लिए क्या ऑर्डर करना चाहिए अपन को, फिर एक जना मान लो ये बोल दे कि अपन तो यार पार्टी में है ना पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, तो आप बोलो यार पिज्जा तो ठीक है लेकिन उसको मेरे को पसंद नहीं है और इतना हेल्दी भी नहीं है, ऐसे करके आप बता सकते हो चाहो तो, लेकिन फाइनली चलो ये जो भी हो गया कौन पे करेगा, वेयर विद साल बोलो मिलके पे करेंगे, जनरली वो मिलके ही पे करते हैं राइट, जर्मन्स तो वो भी ये सुनना चाहते हैं कि मिलके ही पे करना है, अच्छा भी है सबको बर्डन भी नहीं होगा, तो ऐसे करके गेथरिंग के में किस कौन सा क्या करना है, कुल मिला के जब आपका डायलॉग मतलब एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करना है ये इंपॉर्टेंट है आपके, और लास्ट में जब वो फिनिश हो रहा है ना तो ऐसे नहीं होना चाहिए लास्ट में ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि ये तो कह रहा है कि पिज्जा खाऊंगा और ये कह रहा है कि नहीं पिज्जा नहीं खाऊंगा, ये नहीं दिखाना है, अल्टीमेटली आपने अगर मान लो डिसएग्री भी किया लेकिन फिर भी आपको लगा कि यार ये मान नहीं रहा तो आप एग्री हो जाओ, अल्टीमेटली ऐसा लगना चाहिए गिमाइन जामस, शुरू में ही लिखा है कि आप दोनों मिलकर प्लान कर रहे हो, तो फाइनल एक ऐसा लगना चाहिए कि आप कहीं पहुंचे हो, कहीं नहीं पहुंचे ऐसे नहीं इंप्रेशन आना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन का हो गया टेल्क का, और अगली बार इसमें से अपन हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज लेके दो चार उसके डायलॉग करें, आप में से मैं जैसे मान लो कि नितेश है खुशी है आप में से सेनू है, आप लोगों में से ही अपन मिलके ऐसे डायलॉग कर सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स भी सुनेंगे, प्रैक्टिकल वो ज्यादा रहेगा, पर आज मैं इतना ही बोलूंगा, थैंक यू सो मच, ठीक है, आज मेरे को गले को थोड़ा रेस्ट देना है, ओके शेनू आई होप कुछ तो चीजें पता चली होंगी, आपको पहले से भी पता थी शायद, बट फिर भी हम लोग ऐसे बीच बीच में मिलेंगे बात करेंगे तो कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, डांके शोन आप लोगों को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके भी डाल सकते हैं, मेरे को आइडिया लगेगा, आपके क्वेश्चन वगैरह नहीं देखे आज मैंने, बट नेक्स्ट टाइम मैं देख के उसके हिसाब से भी